क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। वाई जैक्सन से स्टील फाटा तक जाने वाले रोड पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इसी रोड पर एक ट्रक की चपेट में एक महिला की आने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई थी और आज फिर लगभग एक 50 वर्षीय व्यक्ति सिबली नगर के पास एक ट्रक की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक ये बुजुर्ग व्यक्ति रोड पार कर रहे थे, इसी दौरान ट्रक नंबर GJ15AT6344 सील फाटा से वाई जैक्सन की तरफ आ रहा था और रोड पार करते समय लगभग 50 वर्षीय एक बुजुर्ग इस ट्रक की चपेट में आ गए और जिनका नाम दाऊद बताया जा रहा है उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि इस रोड पर हादसे लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, कभी बाइक सवार तो कभी रोड पार करते हुए ट्रक की चपेट में आने से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। ट्रक वाले को आप लोगों ने पकड़ा? ट्रक वाले पकड़ा है, उसको झापड़ ऊपर नहीं मारा उसको, पुलिस का आप नायगर पुलिस स्टेशन को दे दिया हूँ। नायगर पुलिस स्टेशन जी। और जो बुजुर्ग जिनकी मौत हुई उनको कहाँ पर भेजा? वो कालशेखर में। कालशेखर में जी, कालशेखर में भेजा हूँ और भी उनके बच्चों को बुलाया हूँ। बच्चे अंधेरी रहते हैं, एक किस्मत में कॉलोनी मिलता है, बुलाया हूँ अभी इंशाल्लाह। शिबली नगर में कहाँ रहते चाचा? चाचा शिबली नगर अंदर जो है पार्ट की दुकान भेज रहे हैं, आजाद बिल्डिंग में। आजाद बिल्डिंग जी।